समुद्री क्षेत्र के जठंतरी गांव के लादू नगर जाने वाले सुनसान रास्ते में शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर समुद्री थाना अधिकारी मीठाराम चौहान अपना जाब्ता लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को सरकारी सामुदायिक केंद्र की मोर्चरी में रखवाया और सरकारी सामुदायिक केंद्र की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के पिता सवाराम ने बताया कि उसका पुत्र श्रवण कुमार रोज मजदूरी के लिए बाहर जाता था। जब वह शुक्रवार रात्रि को घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू की गई। अल सुबह ग्रामीणों को लादू नगर जाने वाले खेत के रास्ते में उसके पुत्र के शव मिलने की सूचना मिली। रिपोर्ट में पिता सवाराम ने यह भी बताया कि उन्हें अंदेशा है कि उसके पुत्र की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। लंबे समय से गांव के कुछ युवकों के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा था। बता दें कि पिता ने नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसका आज मुझे जरिए टेलीफोन सूचना दी कि जेठंदरी में एक बॉडी पड़ी। मैं जब तक के मौके पर पहुंचा, वहां पर मृतक के परिजनों को बुलाया तो मृतक का नाम श्रवण कुमार सवाराम बावरी निवासी जेठंदरी था। उसके परिजनों को मौके के हालात दिखाए और मौके पर सिर्फ मृतक के ही आने जाने की खोज थी और किसी आदमी की खोज नहीं दिखे। फिर परिवार वालों के साथ मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के पिता ने हत्या करने का शक जाहिर करते हुए 3 मर्डर की रिपोर्ट दी है जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और जाँच CO साहब बालोत्रा कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।